साइकोलॉजिकल लेवल पे आप बिल्कुल बैगेज मत फील करिए आपका लास्ट अटेम्प्ट, हालांकि मैं आपके दर्द को समझने के लायक तो नहीं, दर्द को साइड कर दीजिएगा 2 महीने के लिए, क्योंकि आपके काम नहीं आने वाला। कोई भी नेगेटिव इमोशन बहुत लॉन्ग टर्म कोई स्ट्रैटेजी में काम नहीं आता। आप स्टैटिक को अपना मजबूत करिए। करंट अफेयर के पीछे हम अक्सर इतना भाग जाते हैं कि इकोनॉमी के जो बेसिक कंसेप्ट हैं, हम बैंक रेट और रेपो रेट में फर्क नहीं जानते। अगर यहीं पे गलती हो जाएगी तो कोई करंट अफेयर आपको नहीं बचा पाएगा। और टेस्ट सीरीज में मैं 80 टेस्ट देने वाला टॉपर तो कहूंगा नहीं खुद को, लेकिन ये है कि मैंने 11 टेस्ट लगाए थे, और जो लगाए थे उससे मैंने टेस्ट के क्वेश्चंस या उसका कंटेंट याद करने की कोशिश नहीं करी थी, वो एंग्जाइटी लेवल अपने अंदर फील करने की कोशिश करी थी जो मुझे एग्जाम में मिलेगा। सर, सबसे पहले कांग्रेचुलेशन। थैंक यू फॉर कांग्रेचुलेटिंग मी सर। सर, सबसे पहले ये बताइए, व्हाट इज योर ऑप्शनल, आपके लैंग्वेज क्या थे और ये कौन सा अटेम्प्ट था? सर, दिस वाज माय 3rd अटेम्प्ट। माय ऑप्शनल वाज सोशियोलॉजी एंड माय लैंग्वेज वाज इंग्लिश। ओके सर, इससे पहले आपके 2 अटेम्प्ट नहीं हो पाए, कहाँ कहाँ पे क्या गैप था, किस तरह की चीज़ें हुई थी? पहले में सर मेंस में फेल हो गया था। 20 अच्छा, प्री आपने क्वालिफाई किया था? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में 29 मार्क्स से मेंस की कट ऑफ। 29, ओके। हाँ, और दूसरे अटेम्प्ट में मैं आपकी बात को पूरी कर देता हूँ, प्री में फेल हो गया था। तो मतलब प्री पहले किया तो दूसरे बार में प्री, मतलब अनप्रेडिक्टेबल, ऑब्वियसली कुछ कह नहीं सकते कि आपने पहले प्री किया तो दूसरे बार भी प्री क्लियर होगा, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। तो फिर उसके बाद आपने एनालाइज किया होगा चीज़ों को लेके, यार कहाँ पे गैप है और अब हमें किस तरह काम करना है अपनी इस चीज़ों पे, तो फिर आपकी रणनीति क्या हुई आगे? मैं ये समझ गया था कि प्री थोड़ा सा गेम ऑफ लक है, वो आपके सामर्थ्य का कहीं से कहीं तक कोई इंडिकेटर नहीं है काफ़ी हद तक। तो मैंने मेंस पे फोकस करना शुरू कर दिया था प्री पे फेल होने के बाद, तो क्योंकि वो एक कंट्रोलेबल स्टेज है। ओके, बहुत बढ़िया। तो जो वो फेलियर का टाइम था तो उसमें मैंने मेंस के नोट्स बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि उसमें भी भारी कमियां थी, अगले साल प्री निकाल भी लेता तो शायद मेंस में फिर फेल हो जाता। तो बस यही रणनीति थी, ज़्यादा कुछ। बट सर, आपने मेंस की तैयारी कर ली बहुत अच्छे तरीके से जो आपके कंट्रोल में था, बट अगर अनफॉर्चुनेटली प्री नहीं होता तो, क्योंकि प्री की भी तो कुछ ने कुछ की होगी आपने। तो सर, मेरे पास ऐसे टीचर्स थे जैसे राज सर हैं और भी मेरे पेरेंट्स हैं जो मेरा मनोबल उठा के रखते थे और जिन्होंने मुझे गिरने नहीं दिया। तो मोटिवेशन काम आया आपके? सर, मोटिवेशन, मैं तो मोटिवेट हो ही नहीं पाया था, मेरे जो इकोसिस्टम था वो मोटिवेटेड था। अरे वाह, तो बहुत बढ़िया, उन्होंने मुझे संभाला। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गाय। सर, आपने नोट्स की बात की, हम नोट्स सभी बच्चे बनाते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स बेस्ट नोट्स बनाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? सर, बेस्ट नोट्स एक मिथ्या है। जैसे हिमालय पे येती है वैसे ही बेस्ट नोट्स हैं यूपीएससी में। अच्छा। सो वो तो नहीं बनते, पर हम उसको इम्प्रूव करते रहते हैं। बहुत बढ़िया। मेंस का जो हफ्ता होता है जिसमें हम मेंस लिखते हैं, उस वक्त भी इम्प्रूवमेंट चल रहा होता है दिमाग में। जब लिखते हैं उस वक्त भी कुछ मैजिकल चीज़ें आ जाती हैं। ऐसा मतलब कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि दिमाग में क्लॉन्डाइक स्पेसेस होते हैं जो किसी के कंट्रोल में नहीं होते। बहुत बढ़िया। तो वो भी मेंस लिखते में आपको महसूस हो जाएगा कि कुछ ईश्वरीय कृपा हुई है कि कुछ आंसर बेहतर हो पा रहे हैं। तो ये हो जाता है, ये हो जाता है, मतलब बट एक होता है ना, टाइम टू टाइम हम जो भी डेवलपमेंट होती है करंट अफेयर्स में और बहुत सारी चीज़ें, तो हम उसको इनरिच करते जाते हैं, नोट्स को ऐड ऑन करते जाते हैं। ये प्रक्रिया चलती है क्या? हाँ, ये बिल्कुल चलती है। फॉर एग्जांपल, जैसे 2022 में एक जीएसटी से संबंधित केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडियाज़ फेडरलिज्म इज़ अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल बिटवीन कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो ये स्टेटमेंट से मैंने अपने GS2 के एक आंसर को कंक्लूड किया था। तो वो एक स्टेटमेंट एक बिल्कुल स्पेसिफिक स्टेट आंसर बन गया मेरा। तो ये होता है, चल। रिजल्ट आने से पहले मुझे एंग्जाइटी इस बात की थी कि जिन लोगों ने मेरे में इतना इन्वेस्ट किया है, मेरे टीचर्स ने, मेरे पेरेंट्स ने, तो क्या उनके इन्वेस्टमेंट का कोई रिटर्न मैं दे पाऊंगा कि नहीं, एक अकाउंटेबिलिटी की फीलिंग मेरे मन में आ रही थी। तो जब हुआ तो मुझे ये ज़रूर महसूस हुआ कि हाँ, चलो मेरे टीचर्स ने, मेरे पेरेंट्स ने जो इन्वेस्ट किया। राज सर ने रात के 3-3 बजे मेरी कॉपी चेक करी है। ये राज सर कौन है? सर, ये नेक्स्ट आईएएस में पढ़ाते हैं, ही इज़ अ सोशियोलॉजी टीचर एंड ही इज़ प्रैक्टिकली द रीज़न बिकॉज ऑफ विच आई डिड नॉट क्विट। क्योंकि जो मैंने आपको बताया, सेकंड अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स फेल किया था, तब मैं सोच रहा था कि आई हैव टू नाउ लीव इंडिया और लोन वगैरह लेके विदेश में जाके पढ़ाई करेंगे। अगर कोई नए स्टूडेंट हैं जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मुझे किस ऑप्शनल में जाना चाहिए, एक इंटरेस्ट वाली बात तो होती है, फिर भी वो 2-3 ऑप्शनल को रख के लाइक PSIR, एंथ्रोपोलॉजी और सोशोलॉजी, इसमें वो कन्फ्यूज हैं क्या करें, इस केस में वाई ही और शी शुड गो विथ सोशोलॉजी, व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग इन सोशोलॉजी?
सी बेस्ट थिंग इन सोशियोलॉजी इज दैट इट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड यू. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें जो अभी हमारे किसान भाइयों ने आंदोलन किया था, तो उसमें एक संस्थान जो हमारे किसान ऑर्गेनाइजेशंस को लीड कर रहा था वो मजदूर किसान संगठन था. तो उस संगठन के नाम में मजदूर भी है और किसान भी है. तो ये दोनों ही कंपोनेंट्स हम कार्ल मार्क्स की थ्योरी में पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, डेवलपमेंट ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस में. तो इट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड यू. मेरे नाम में सोशियोलॉजी है, मेरा नाम जो है वो वैभव आनंद शर्मा है और आनंद मेरे पापा का नाम है. अच्छा. तो मेरा नाम वैभव ममता शर्मा भी हो सकता था, लेकिन मेरी माँ का नाम मेरे नाम में आ नहीं पाया. तो ये पुरुषवाद है. अरे, तो इट इज़ हैपनिंग एवरीवेयर. तो इसलिए सोशियोलॉजी इज़ वेरी गुड. सोशियोलॉजी में सर मार्क्स तो आ गए हैं, कितना मार्क्स आपका आया है? 296 है सर. 296, बहुत बढ़िया मार्क्स. तो एक सर का नाम बता रहे थे आप, कोई राज सर, तो उनसे आपने पढ़ा या फिर कैसे आपने सेल्फ स्टडी की, कैसे किया? मैंने फाउंडेशन कोर्स किया था राज सर का. अच्छा. तो एक्चुअली बहुत लोग हेल्प करते हैं इसमें, जिन लोगों ने मुझे न्यूज़पेपर पढ़वाया, कुछ डेली एनालिसिस होती है, वो उन्होंने भी हेल्प किया. लेकिन जो फाउंडेशन कोर्स था, जैसे फाउंडेशन नाम है कि नींव है वो, तो वो राज सर ने रखी थी. ठीक है सर. आंसर राइटिंग मेंस की बात, हम डायरेक्ट प्री को छोड़ के मेंस में ही आते हैं. दो तीन टिप्स ऐसे बताइए जिससे कि वी कैन राइट इन मेंस लाइक ए टॉपर. हम आंसर राइटिंग कैसे अच्छा लिखें, बेस्ट इंग्रेडिएंट्स, व्हाट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स दैट वी शुड यूज़ टू गेट बेटर आंसर राइटिंग, जिसको एग्जामिनर देख के एक वॉस ही फीलिंग आए. वैसा तो होता ही नहीं, इतने पेपर होते, फिर भी एक कैची हो, चीज़ों को हम अच्छे से बना के लिखें. बेस्ट आंसर राइटिंग कैसे लिख सकते हैं शॉर्टकट में, ये क्या सर? उसमें मैं एक एस्पेक्ट है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, वो ये है कि आपको खुश रहना पड़ेगा. तो जब आप मेंस के एग्जाम हॉल में जा रहे हो, आप अपने प्रेशर्स और बैगेजेस को साथ लेके मत जाइए. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो आप खुश रहेंगे तो आप मस्ती में लिखेंगे, वो बहुत ज़रूरी है. ये ऐसा है, प्रैक्टिकली प्रूवन है क्या ये? पॉसिबल है, मतलब मेरे लिए पॉसिबल है, आई कैन नॉट स्पीक फॉर एनीवन एल्स. आप लोग सीख रहे हैं ना सर से, ये टॉपर्स ऐसे नहीं टॉपर्स बन जाते हैं, इनमें क्वालिटी होती है. और यही वजह है कि मैं सर के पास आया हूँ, बड़ी मुश्किल से इन्होंने टाइम दिया है, और मैं चाहता हूँ कि आप सीखिए. और सर बताइए आंसर राइटिंग के लिए और क्या कर सकते, क्योंकि सर आंसर राइटिंग बहुत लिखना पड़ता है ना? प्री में तो ठीक है भाई, एमसीक्यू है, दिमाग उसमें भी लगते हैं, वक्त में भी. आंसर राइटिंग आपको सही से लिखना है जो मार्क्स देगा आपको. जी जी. जैसे मैंने इशिता किशोर मैम और श्रुति शर्मा मैम है, जो पिछले दो सालों की कॉन्सिक्यूटिव टॉपर्स हैं, उनकी मैंने आंसर्स देखे थे जो उन्होंने प्री के बाद लिखे थे. एक कोई भी सिलेक्टेड कैंडिडेट अपने पूरे यूपीएससी साइकिल के कई स्टेजेस में आंसर लिखता है. okay. लेकिन प्री के बाद जो आंसर्स लिखे थे, तो मैंने उसमें ऑब्जर्व किया था कि जब प्री निकल गया उनका, और उसके बाद उन्होंने पहला आंसर, पहला टेस्ट लिखा फुल लेंथ, उसमें उनके दो तीन क्वेश्चन छूट गए, तो उन्होंने ईमानदारी से छोड़ दिए 3 घंटे में. तो पहले मैंने उससे दो चीज़ें सीखी, एक तो वो कि 3 घंटे में वो पूरे नहीं कर पाए तो उन्होंने करने की कोशिश भी नहीं करी. Perfect. और मैंने फिर ये भी सीखा कि अगर मैं नहीं लिख पा रहा हूँ प्री निकालने के बाद, मेंस का पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ अगले 10-15 दिनों में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है. अपने को मेंस से पहले तक परफेक्ट होना है. तो अगर हम ये सोचें कि जो है प्री के बाद हम नहीं लिख पा रहे हैं पूरा का पूरा पेपर, तो उसमें हताश होने की ज़रूरत नहीं है. 3 महीने, 90 दिन, मतलब 90 अपॉर्चुनिटीज़. देखिए पढ़ाई ही हर एक चीज़ नहीं होती, इस तरह के टिप्स, इस तरह के आइडियाज़, गाइडेंस भी बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं जो आपको नर्चर करता है चीज़ों को लेके. सर इसमें चाहे प्री की बात करें, मेंस की बात करें, रिवीजन इज़ द की. आपने पढ़ लिया, रिवीजन नहीं कर रहे तो बेकार है. रिवीजन का क्या बेस्ट, व्हाट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर रिवीजन? एक होता है ना, हमने रिवाइज़ किया, मन नहीं लग रहा, छोड़ो यार कल करेंगे, 1 घंटे बाद करेंगे, मतलब हम चीज़ों को आगे बढ़ा देते. बट सीरियसली हम रिवीजन किस तरीके से करें जो हम कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकें चीज़ों को लेकर? देखिए एक साइकोलॉजी का प्रिंसिपल है जिसको शायद एबिंगॉस प्रिंसिपल कहते हैं. वो ये है कि कोई भी चीज़ लगभग 18 दिन तक ही दिमाग में रहती है. 80% ये मैंने सुना है. तो अगर आपको रिवाइज करना है तो आपको एक टेक्निक लगानी पड़ेगी, वो इलेबोरेटिव रिहर्सल है, उस टेक्निक का नाम है. ये भी एबिंगॉस ने ही बोला था. अच्छा. तो ये वैसे बहुत फैंसी वर्ड है, इसका सिंपल शब्द ये है कि किसी भी बात पे आप चर्चा कर लीजिए. अगर आप जैसे हम अभी बैठ के चर्चा कर रहे हैं, अगर मैं यही चीज़ें आपको लिख के दे दूं जो मैंने अभी बोली हैं, और फिर मैं आपसे पूछूं कि जो भी मैंने लिखा है वो आप सुनाइएगा, अरे वाह, नहीं याद रहेगा. पर चर्चा कर लेंगे तो रिलैक्स्ड वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए. तो अपने माता पिता के साथ, या फिर जैसे मैं सर को बता रहा था, हमारे जो सोशियो के सर हैं, तो मेरे माता पिता को मैंने पहला जो चैप्टर पढ़ाया था वो रिलीजन का चैप्टर था हमारा. एक चैप्टर होता है सोशियोलॉजी में, पेपर 1 में, पेपर 2 में भी है. तो उन्हें बड़ा मज़ा आया, तो वहाँ से एक सिलसिला शुरू हो गया. तो
तो मैं अपने माता पिता को बिठा के उन्हें सारी दुनिया की बोरिंग बातें सुनाता था और उससे उनका जो ज्ञानवर्धन हुआ होगा पता नहीं, लेकिन मेरा बहुत फ़ायदा हो गया। अमेजिंग, अब तक की सबसे बेस्ट इंटरव्यू मुझे ये लग रही है सर। चूँकि सोशियोलॉजी से और आप कुछ जो है एग्ज़ाम्पल भी बता रहे हैं, तो अब इसमें एक चीज़ हम कंसिस्टेंसी लाना चाह रहे हैं। बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते अपनी प्रिपरेशन को लेके, उसको कैसे बरकरार रखें कंसिस्टेंसी को? देखिए अगर आप आपको एग्जाम्पल दे देना जरूर देंगे आप। मैंने कंसिस्टेंसी भागवत गीता से सीखी थी, तो अगर आप उसका पहला पन्ना देखेंगे तो उसमें यह है कि आपको अपने इमोशंस, अपनी इंद्रियों का गुलाम नहीं बनना है, ये हमारी गुलाम है। तो अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि मन एक डिफरेंट एंटिटी है, आप एक डिफरेंट एंटिटी है, आपका गोल एक डिफरेंट एंटिटी है। अगर मन मेरे गोल के आड़े आ रहा है तो हटाओ मन को साइड में और काम करो जो करना है, या फिर गोल को साइड हटा दो। ये सब चीज़ें हैं सर। अब चूंकि प्री को बहुत ही कम वक्त बचा है, हाउ वी कैन लर्न रिवाइज मोर इन शॉर्ट टाइम, कम वक्त में हम ज़्यादा कैसे पढ़ सकते हैं, एक प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए दिन की शुरुआत करें तो थोड़ी देर मेडिटेट कर लीजिए और मत सोचिए प्री के बारे में, 10-15 मिनट। ठीक है, लॉन्ग ब्रीथ करिए, एक्सहेल करिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मत छुइए जब तक आप 5-6 घंटे अपनी किताबों के साथ ना जूझ लें। You're talking about mobile and all that. Yes, exactly. मत देखिए इंटरनेट वगैरह कुछ भी 5-6 घंटे। बहुत बढ़िया। जब 5-6 घंटे आपने ये सॉफ्ट पेपर ऐसी किताबें पढ़ ली, आपको लगा कि अब मैं थक गया, तो अब आप कंप्यूटर ऑन कर सकते हैं और उसमें भी जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम से भी बहुत पढ़ाई होती है। लेकिन मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम को सेकेंड हाफ ऑफ द डे के लिए रखता था। अच्छा। जब मैं सुबह उठाऊँ मेरी आँखें स्ट्रेन नहीं ले रही हैं, उस वक्त मैं किताब पढ़ूंगा, छपा हुआ पन्ना। बहुत बढ़िया। और जब मैं उससे थक गया हूँ तब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स थकाती है, वो आपको गर्म करती है, सोने का मन करता है। बिल्कुल। और कोशिश ये करिए कि जब आप सोएं, सो के जब उठें तो किसी से बात ना करें, चुपचाप पढ़ने बैठ जाएं। क्योंकि अगर बात करेंगे ना तो बात करना भी दिमाग को हिला देता है, और माइंडसेट डिफरेंट हो जाता है। फिर वो एंगेजमेंट किसी और टॉपिक में चले जाएगा। किसी की बुराई ना करें फालतू में। जैसे कोई भी आम परिवार होता है हिंदुस्तान में, तो उसमें हम रिश्तेदारों की बुराई कर सकते हैं, पड़ोसियों की कर सकते हैं, मत करिए, ये आपका खून जलाएगा, आपकी 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 बहुत इमोशंस को अनस्टेबल करेगा। खुश रहिए, प्यार करिए, सोचिए कि सब आपको प्यार कर रहे हैं। बिल्कुल। और आप भी सबको प्यार करिए। बिल्कुल सर। ये जो ऑप्शनल सोशियोलॉजी होता है, इसको इसके लिए क्या रिसोर्सेज हैं मार्केट में पड़ी हुई? अगर कोई बच्चा कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता है या फिर किसी पास कुछ भी नहीं है, तो क्या फ्रीली कुछ अवेलेबल है मार्केट में? सर फ्री का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा है कि मैंने जहाँ से पढ़ा वो बता सकता हूँ। वो नेक्स्ट IAS का मटेरियल था। ठीक है। तो उनकी प्रिंटेड बुक्स हैं, वो भी राज सर की ही हैं। अच्छा। ठीक है। तो वो बुक्स अगर आप ले लेते हैं तो वो एक्चुअली कंडेंस्ड वर्जन है मार्केट के सारे रिसोर्सेज का। तो वो वन स्टॉप से यहाँ से फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप ये कह रहे हैं? काइंड ऑफ नहीं है। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है, मुझे लगा था, तो मैंने एक किताब पढ़ ली थी सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए, और वो है नितिन सांगवान का। तो उस किताब से मुझे थोड़े बहुत फायदे हुए जरूर थे, लेकिन मेरा 80% जो मटेरियल था वो वही था। क्योंकि सोशियोलॉजी में फाउंडेशन आपने ले लिया है, मेन चीज़ जो आंसर राइटिंग में है वो ये है कि जो आप देख रहे हो रोज समाज को, उसको अपने आंसर में उतार पा रहे हो कि नहीं उतार पा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल सही है। बस सर, अभी बहुत सारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि यू आर द एक्सपर्ट, टॉपर हैं आप, कुछ उनको सजेस्ट करें आने वाले प्री के लिए, बेस्ट टूल टेक्निक्स आइडियाज़ दें, गाइडेंस दें, कि क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस वक्त जो है ना फेयर फैक्टर वाली बातें होती हैं, परेशान होते हैं, और किसी के लास्ट अटैम्प भी होंगे, तो इन सब चीज़ों को लेके मैं चाहता हूँ कि आप अपनी तरफ से कुछ गाइड करें बच्चों को। मैं ये कहूँगा कि साइकोलॉजिकल लेवल पे आप बिल्कुल बैगेज मत फील करिए आपका लास्ट अटैम्प्ट, हालांकि मैं आपके दर्द को समझने के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कह सकता हूँ छोटा मुंह बड़ी बात कि दर्द को साइड कर दीजिएगा 2 महीने के लिए, क्योंकि आपके काम नहीं आने वाला। बिल्कुल। कोई भी नेगेटिव इमोशन बहुत लॉन्ग टर्म कोई स्ट्रैटेजी में काम नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि आप स्टैटिक को अपना मजबूत करिए। आप करंट अफेयर के पीछे हम अक्सर इतना भाग जाते हैं कि इकोनॉमी के जो बेसिक कंसेप्ट हैं, हम बैंक रेट और रेपो रेट में फ़र्क नहीं जानते। तो अगर यहीं पे गलती हो जाएगी तो कोई करंट अफेयर आपको नहीं बचा पाएगा। और आप स्टैटिक पे फोकस करिए, मल्टीपल रिविजन्स करिए करंट अफेयर का, जो भी आपका सोर्स है लिमिटेड एक, उसी को बार बार पढ़िए, और अपने टेस्ट सीरीज़ लगाइए। और टेस्ट सीरीज़ में मैं 80 टेस्ट देने वाला टॉपर तो कहूँगा नहीं खुद को, सक्सेसफुल कैंडिडेट नहीं हूँ, और लेकिन
ये है कि मैंने 11 टेस्ट लगाए थे और जो लगाए थे उससे मैंने टेस्ट के क्वेश्चंस या उसका कंटेंट याद करने की कोशिश नहीं करी थी, वो एंग्जाइटी लेवल अपने अंदर फील करने की कोशिश करी थी जो मुझे एग्ज़ाम में मिलेगा। तो वही एंग्जाइटी जब एग्ज़ाम में आई तो मेरे लिए नई चीज़ नहीं थी, इतना ही है। सर आपके इंटरव्यू में कितने मार्क्स हैं? 193 हैं। 193 आप होते तो ज़्यादा देते। मैं तो मतलब यू डिज़र्व मोर, जो आपकी जो एटीट्यूड है, बोलेगा स्टाइल है, क्वालिटी है सर, बट ठीक है। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर अवेलेबल टाइम सर। धन्यवाद सर, थैंक यू। और आपके वो क्या कहते हैं IAS प्रेफरेंस है राइट? तो जो भी आपको जिम्मेदारी मिलने वाली है, हमें पता है आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी आपको, आप उसको बाखूबी निभाएंगे। हाँ, आप अपने शहर मुरादाबाद, UP स्टेट और इस देश का नाम रोशन करें। ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरा दिमाग ख़राब ना हो और मैं अपना काम ठीक से करता रहूँ। क्यों ऐसा शक है क्या? नहीं, बस मैं अपने लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, किसी और के लिए नहीं कह सकता। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।